Look here, sir, center. Sir, look here. Center. Sir, यहाँ पर एकदम सामने. कैमरा आ रहा है. सेंटर में देख लीजिए एक बार. यहाँ देखिए पसवाड़ी का भी जो. हाँ जी जी सर. सर एक अंदर चलो गाइस स्पॉटिंग के इधर. भाई मैं आज इवेंट पे आने की गलती कर दी. क्या बोल रहा है उसने. क्या करो बोलो. भारत माता की जय. लुक मैम. मैम सेंटर में देखिए. मैम देखिए ना. अरे पहले उधर का तो होने दे. इधर का तेरे राइट का सेंटर सबका होएगा. मैं मेरी तरफ. हां मैम लुक सेंटर. सेंटर लुक हो गया उधर. अरे हिलाओ मत. लेकिन ये बांस मजा नहीं आ रहा है. मैं मेरी तरफ खूब पास है. मैम लुक सेंटर में देखिए. मैम सेंटर थैंक यू. नीचे कर ले. अरे कैमरा थोड़ा बीच कैमरा. सेंटर सर सेंटर. माझ्याकडे समोर. ऑल ऑफ अस सेंटर सेंटर सेंटर. एक पूरा टीम आ जाए. पूरा टीम आ जाए. हाँ हाँ. अरे फ्रेम में नहीं आ रहा. ये कैमरा आगे थोड़ा सा स्प्रेड हो जाएगा. सो मैडम यू आर एवरीवन इन दिस कैमरा. ओके थैंक यू. क्या कर रहा मैं दिखा रहा तुम्हारा. तू ये तेरा ही आ रहा था. मैं क्या करूँ. मैं क्या हो यार. सर मैम का फोटो लो. मैम लुक कैमरा. या या सॉरी सॉरी माय कैमरा इज बहुत क्लियर. इधर समोर. लेफ्ट में सर. बोथ ऑफ सेंटर. सर अपने लेफ्ट. छोड़ दे छोड़ दे. हाँ बैठो. क्या बात है. दो रोटी मिल गई. यस सर मैडम. या या ठीक है. Bahut bhiya bhai. This is our main picture now. Ha aaj. Yes. Main aapko
इतना ही देर on 30th of August and the Diary of West Bengal. और इसी के साथ मैं मंच पर बुलाना चाहूँगा वो इंसान जिन्होंने बहुत मेहनत की है, इनके जो रिसर्च करने के तरीके हैं वो सुनने के बाद, फिल्म मेकिंग के प्रोसेस को जानने के बाद, यू विल हैव गूज़बम्स. प्लीज वेलकम द कैप्टन ऑफ द शिप, डायरेक्टर सनोज मिश्रा जी. जोरदार तालियों के साथ मंच पे आमंत्रित करना चाहूँगा हमारे डायरेक्टर साहब, कैप्टन ऑफ द शिप सनोज मिश्रा. लेडीज एंड जेंटलमैन, सर बहुत बहुत स्वागत है आपका, प्लीज विराजमान हो जाएं. और इसी के साथ फिल्म की जान जो रहती है, फिल्म के हीरो और हीरोइन, दिस हैंडसम हंक लेडीज एंड जेंटलमैन इज राइट हियर, जिनको आपने सभी गानों में देखा, एंड हु इज गोना बी प्रोबेबली द नेक्स्ट वायरल गाय, यजुर मारवा. जोरदार तालियां फॉर द हीरो ऑफ दिस फिल्म, माय ब्रदर, मेनी मेनी कांग्रेचुलेशंस. फाइनली द डे इज राइट हियर. यजुर मारवा लेडीज एंड जेंटलमैन. और इसी के साथ सबसे खूबसूरत मोहतरमा जो आप सबने यहाँ पे देखा है, शी इज ऑफ कोर्स, इन्होंने पिक्चर में गानों में चार चांद लगा दिए हैं. जोरदार तालियों के साथ मंच बुलाना चाहूंगा आशीन मेहता को. क्या बात है, जोरदार तालियां इस खूबसूरत हीरोइन, इस एक्ट्रेस, इस अभिनेत्री के लिए. और माशाल्लाह जो किस किरदार में आप ढली हैं, आज पहचानना लोगों को मुश्किल हो रहा है कि वही आशीन है. सो जोरदार तालियां प्लीज हमारी सभी कास्टिंग क्रू के लिए, जिनकी वजह से हम लोग एकत्रित हुए हैं यहाँ पे. तो सबसे पहले जितेंद्र सर, मैं आपसे शुरुआत करना चाहूंगा. फाइनली दिस प्रोजेक्ट इज हैपनिंग, इट्स रिलीजिंग ऑन 30th August 2024, एंड बहुत मेहनत, कड़ी मेहनत आपने इस प्रोजेक्ट के लिए की है. फिल्म मेकिंग में सनोज जी बताएंगे कितने बैक बिहाइंड द सीन मेहनत की, मगर सर जब प्रोजेक्ट शुरू कैसे हुआ और आज जब ये प्रोजेक्ट जो है रिलीज की कगार पे है, तो आज कैसा महसूस कर रहे हैं, प्लीज शेयर एवरीथिंग अबाउट इट. थैंक यू. मैं यहाँ पर मौजूद सारे मीडिया भाइयों को शुक्रगुजार हूँ उनका कि वो अपना एक कीमती वक्त निकाल कर हमारे बीच में आए. देखिए, द डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल एक सच्ची घटना के ऊपर आधारित फिल्म है. 8 अक्टूबर 2001 में हमारे पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में सिराजगंज एक जगह है, वहाँ एक घटना घटी और वो दबा दी गई. लेकिन उसके बाद जब छोटे छोटे मीडियाज ने और छोटे लोकल न्यूज़पेपर्स ने उसको वायरल किया, तो वो दुनिया की एक दर्दनाक घटना थी. एक अनिल चंद्र का परिवार था सिराजगंज में, और उस पर एकाएक ही कुछ इस्लामिक कट्टरपंथी जिहादियों ने हमला किया काफिर कहकर, और उनकी एक 14 साल की बेटी थी जिसका पूर्णिमा नाम था. उस 14 साल की बेटी के साथ में सामूहिक बलात्कार किया गया, और वो ऐसा दर्दनाक बलात्कार था. आप सोचिए, एक माँ के सामने 14 साल की बेटी के साथ में इस तरह की हैवानियत, और माँ ने जो उस वक्त चिल्लाकर दर्द भरी आवाज उन दरिंदों को दी, वो पेपर की कटिंग बना और वही सबसे ज्यादा वायरल हुआ, जिसमें उसने कहा, अब्दुल अली एक एक करके करो वरना मर जाएगी मेरी बच्ची. ये बहुत दर्दनाक अल्फाज थे एक माँ के लिए अपनी बच्ची की जिंदगी को बचाने के लिए. और उस घटना ने बांग्लादेश सहित जहां जहां वो चीज वायरल हुई उसको झंझोड़ के रख दिया. और इस घटना का जिक्र तस्लीमा नसीम जी ने अपनी किताब लज्जा में भी किया है, और उस किताब की ही वजह से कट्टरपंथियों ने
इस्लामिक जिहादियों ने तस्लीमा नसीम को बांग्लादेश में रहने नहीं दिया, वो अपनी जान बचाकर भागी, क्योंकि उस घटना का उन्हीं ने पूरा विवरण जो था वो अपनी किताब में किया था। हमारी फिल्म की स्टोरी यहीं से शुरू होती है और उसमें से एक लड़की उसी परिवार की जो वहां से बच जाती है वो हिंदुस्तान आती है, ये मानते हुए कि हिंदुस्तान में हिंदुओं के लिए एक ये सुरक्षित स्थान है, वो जाएगी और इस घटना के लिए यहाँ के देश के प्रधानमंत्री से मिलेगी और ह्यूमन राइट्स से मिलेगी और अपनी आवाज बुलंद करेगी। लेकिन बदकिस्मती के साथ में वो रोहिंग्यास जो वहां पर इल्लीगल आते, देखिए एक रोहिंग्या एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हमारे देश के लिए, और ये घुसपैठिए जो हमारे यहाँ आते हैं ये पूरे देश में फैल जाते हैं, हमारे आपके बीच में फैल जाते हैं, और इनका मकसद सिर्फ जिहाद है, गजवाए हिंद है, ये अपने मकसद के तहत आते हैं। लेकिन खेत के साथ ये भी कहना जरूरी है कि पश्चिम बंगाल की हुकूमत जो उनके लिए भारत में घुसपैठ करने के रास्ते खोलती है और खाली रास्ते न खोलते हुए उनके लिए हिंदुस्तानी फर्जी आईडीज भी बनवाती है और आईडीज बनवाकर उनकी पहचान बनवाकर उनको देश में जगह जगह एस्टेब्लिश कर दिया जाता है। ये बहुत बड़ा फैक्टर है हमारी फिल्म का। देखिए इससे पहले भी हमने राम की जन्मभूमि बनाई, उसमें हमने अयोध्या के इशू को उठाया, और ये द डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल रोहिंग्या कट्टरपंथियों की उस साजिश को बेनकाब करती है, उनकी घुसपैठ को हमने दिखाया है बगैर पश्चिम बंगाल की हुकूमत से डरे हुए, क्योंकि अगर रोहिंग्या की बात आएगी तो ममता बनर्जी की बात जरूर की जाएगी, क्योंकि मौजूदा हाल में इस वक्त ममता बनर्जी ही पश्चिम बंगाल की हुकूमत की सरबराह है। तो हमने बगैर डरे इस फिल्म में उन सारे पहलुओं के ऊपर से पर्दा उठाया है और किस तरह से उस लड़की की जर्नी है, कैसे रोहिंग्याज उसको परेशान करते हैं, वो बंगाल के हालात इस वक्त क्या है, वो पहले क्या थे, वो किस तरह, बंगाल के हालात कभी अच्छे नहीं हुए, हमेशा से वहां आज जिहादियों का एक बहुत बड़ा अड्डा है पश्चिम बंगाल, वहां की मुख्यमंत्री के संरक्षण में उनकी सपोर्ट से वहां बड़ी बड़ी आबादियां बसी हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा वोट बैंक है। इस वोट बैंक के चलते अगर पश्चिम बंगाल की हुकूमत पूरे देश को खतरे में डाल रही है तो इन सारी चीजों से पर्दा उठाना बेहद जरूरी था, इसलिए इस मिशन को हम लेकर आगे बढ़े। सनोज भाई जो हमारे डायरेक्टर हैं, बहुत बड़ी इसमें इनकी मेहनत है, इनकी रिसर्च है, क्योंकि हर जगह इनका जाना, सारी ह्यूमन राइट्स से सारे कलेक्शंस करना, फिर स्टोरी तैयार करना, फिर लिखना, ये बहुत बड़ा टास्क था जो सनोज मिश्रा डायरेक्टर जो हमारी फिल्म के उन्हीं ने कबूल किया। और 30 अगस्त को हम ये फिल्म रिलीज करने जा रहे हैं फाइनली, और पूरा देश रोहिंग्यास के इशू को जानना चाहता है, पूरा देश चाहता है कि पश्चिम बंगाल में किस तरह से आज हिंदू जो बहुसंख्यक है वो पश्चिम बंगाल छोड़ने पर आमादा हो रहा है, पूरा देश ये जानना चाहता है कि उनके साथ ऐसा जुल्म, जाति भेदभाव क्यों हो रहा है, क्यों पश्चिम बंगाल दूसरा कश्मीर बनने की कगार पर आ गया है, ये बहुत बड़ा सवाल है। और हमारी फिल्म को सेंसर भी मिल चुका है, हमारी फिल्म में जितने आर्टिस्ट ने कैरेक्टर निभाए हैं वो सारे कैरेक्टर अपने में अनमोल हैं,
उन्हीं ने उस दर्द को समझा है और अपने कैरेक्टरों में उसको उभारने की कोशिश की है। मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि पूरा देश जानना चाहता है कि बंगाल की असलियत क्या है, पूरा देश जानना चाहता है ममता बनर्जी की फोटो की राजनीति क्या है जिसमें पूरा देश खतरे में कभी ना कभी पड़ सकता है, रोहिंग्या जिहाद क्या है, लव जिहाद क्या है और इस्लामिक जिहाद क्या है, इस पर से हमने बखूबी पर्दा उठाया है। मैं फिर आप लोगों का एक शुक्रिया अदा करते हुए मैं अपने एंकर साहब से कहता हूं कि वो आगे की प्रोसीडिंग शुरू कर दें। शुक्रिया। पहली बात तो धन्यवाद जितेंद्र सर, जो कहानी आपने हमारे साथ साझा की है मतलब सच में वो रूह दहलाने वाली कहानी है, और ये सुनने के बाद हम सब वेट नहीं कर पा रहे हैं 30 अगस्त की जब ये फिल्म सच में बड़े पर्दे पे आएगी। आई एम श्योर यू ऑल आर इक्वली एक्साइटेड टू सी दिस स्टोरी, दिस नैरेटिव ऑन 70mm। इसी के साथ एक और कहानी जो है जिसको सुनने के बाद आपकी रूह काम जाएगी, बिकॉज क्या कुछ फेस किया है यहाँ पे हमारे सॉरी ये सब हमारे हवा का झोंका बीच में आ रहा है, मगर जो कुछ फेस किया यहाँ पे और जो स्ट्रगल्स रही हैं यू नो व्हाइल फिल्मिंग द डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल लेडीज एंड जेंटलमैन, वो बताएंगे कैप्टन ऑफ द शिप द डायरेक्टर सनोज मिश्रा जी सर, क्योंकि जो कहानी आपने हमें सुनाई है वो सुनने के बाद सच में किसी की भी रूह कांप जाए। बहुत बहुत धन्यवाद अभिनंदन जी, सभी का अभिनंदन है और आपको धन्यवाद। जैसा कि भाई साहब ने मुझे बताया, सबको बताया, मेरे बड़े भैया श्री वसीम रिजवी साहब, जिनके बारे में दो ही शब्द कहना चाहूँगा कि मैं इनको यही मानता हूँ कि दुनिया में सबसे सच बोलने वाले इकलौते इंसान हैं, जिन्होंने तमाम मुश्किलों तमाम दबावों के बावजूद भी सच बोलना बंद नहीं किया, वो सच जो हर आदमी जानता है लेकिन बोल नहीं सकता, दुनिया के इकलौते इंसान हैं। इसके अब इनके बारे में कुछ नहीं कहूँगा क्योंकि ये इतनी बड़ी शख्सियत हैं अपने आप में, इन्होंने इतना त्याग किया है, इन्होंने इतना कुर्बानियां दी हैं इस देश के लिए और ख़ास तौर पे समाज के लिए। समाज किसी एक धर्म या विशेष जाति को लेकर नहीं कह सकते, समाज सबसे मिलकर बनता है और उस समाज की भलाई के लिए इन्होंने जो भी काम किए अभी तक, चाहे फिल्म के माध्यम से रहा हो, चाहे सोशल सर्विसेज के माध्यम से रहा हो, वैसा कोई दूसरा इंसान अभी तक धरती पर नहीं आया। आप ये कह सकते हैं कि इन्होंने सबसे पहले इंसानियत की बात रखी कि इंसान को धर्म के बजाय इंसानियत से पहचाना जाए, और जो धर्म काट देने में, मार देने में, खून कर देने वाली बात करता है उस धर्म के बारे में इन्होंने सबसे पहले सवाल उठाए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। हम फिल्म पर आते हैं। खैर, ये तो मैंने रिजवी साहब के बारे में चंद अल्फाज आपके सामने रखे। फिल्म की जो बातचीत रही उसमें हमारे लिए प्रेरणा भी भाई साहब ही थे, हमारी भाई साहब से बातचीत हुई और फिर एक, चूँकि मैं पिछले 30-32 सालों से इंडस्ट्री में आप सब लोगों के बीच काम कर रहा हूँ और कई सारी फिल्में बनाई, सस्पेंस थ्रिलर, एक बंगले के अंदर जा रहे हैं लोग मर रहे हैं बारी बारी से करके, ऐसी कई सारी फिल्में मैंने की। उसके बाद इन सब चीज़ों से मेरा दिमाग उलझ गया, मुझे लगा ऐसा भीड़ चाल है, इस भेड़ साल से अलग निकल कर कुछ काम करना चाहिए मुझे, कुछ देश के लिए, समाज के लिए। पैसा वही लगता है, संसाधन वही लगता है, चीज़ें वही लगती हैं, लेकिन रिजल्ट्स वही भीड़ में खड़े हो जाने वाली होती हैं, जहां पर हर साल 12,000 फिल्में बनती हैं उसमें एक आपकी भी रहती है। इस मकसद को लेकर और दूसरी बात है कि कुछ सिनेमा के माध्यम से ही सही मैं समाज के लिए और देश के लिए अगर कुछ कर पाऊँ तो मेरे लिए सौभाग्य होगा। तो मैंने एक में गया हुआ था, सिलीगुड़ी फिल्म फेस्टिवल था, उसमें मुझे जज बतौर बुलाया गया था और वहाँ से फिर मैं जो लोग घुमाने के लिए बॉर्डर साइड लेके गए और वहाँ के थोड़ा सिस्टम को मैंने समझा, कैसे लोग कहाँ से आना जाना होता है लोगों का, तो काफ़ी ऐसी जानकारियाँ मुझे वहाँ हासिल हुई जो मैं सिर्फ मीडिया में रहकर या मुंबई में रहकर नहीं जान सकता था। और मैंने अपना आने का प्रोग्राम वहाँ कैंसिल कर दिया और मैं सिलीगुड़ी में रुक गया कई दिनों तक। काफ़ी चीज़ें मैंने वहाँ समझी जो कि बॉर्डर वहाँ से कुछ 60-70 किलोमीटर की दूर था, किस तरह से घुसपैठिए आते हैं और बॉर्डर एरिया में कितने ज़्यादा उनकी पॉपुलेशन हो गई है, उनको सरकार किस तरह से बसाती है वहाँ पर, क्या उनको सुविधाएं दी जाती है, किस लिए रखा जाता है, आने से सबसे पहले उनके वोटर आईडी हाथ में थमाई जाती है ताकि वो सबसे पहले वोट दें, और किसको वोट दें आप सबको पता है। तो ये जो सिस्टम चला है एक
जब मैं कह रहा हूँ देश का बंटवारा हो गया, अलग अलग हिसाब से लोगों ने अपने अपने हिस्से बांट लिए, तो हमारी देश की जो जनता है उसका संसाधन हमारे देश के लोगों के लिए होना चाहिए। यहाँ पर घुसपैठियों की, जो घुसपैठिए बाहर से आते हैं, जो क्रिमिनल हैं, जो बर्मा में लोगों को मारकर, सैनिकों को मारकर भाग रहे लोग वहाँ से, वो हमारे यहाँ शरण लेते हैं और सरकार उनको प्रशय देती है, सुरक्षा सुविधाएं देती है, और उस बीच में जो एक आम इंसान है, आम नागरिक कैसे बेचता है, वो हमारी फिल्म की कहानी है। इस फिल्म के जरिए ज्वलंत मुद्दों को उठाने की कोशिश की गई है, और मुझे लगता है जब आप फिल्म देखेंगे तो आप ये नहीं कह सकते कि प्रोपोगंडा फिल्म है। जैसे लोग बोलते हैं प्रोपोगंडा पिक्चर एक और आ रही है, तो प्रोपोगंडा फिल्म नहीं है, और अगर ये प्रोपोगंडा फिल्म है तो मैं ये कहूँगा कि ऐसी फिल्में ही हमेशा बननी चाहिए। अगर सच बोलने को प्रोपोगंडा कहा जाएगा तो ये प्रोपोगंडा चलता रहना चाहिए, और ये प्रोपोगंडा हमारे लिए गौरव की बात होनी चाहिए, क्योंकि सच बोलने की बात जहाँ पर आती है वहाँ पर बहुत सारे लोग अपने घरों में ऐशो आराम के लिए निकल जाते हैं, सड़कों पर कोई नहीं उतरता। तो ये एक फिल्म नहीं, एक आंदोलन है पूरे देश के लिए, बंगाल के लिए, जो हमारी टीम ने, सब ने मेहनत करके इसको आज रिलीज तक लेकर आए हैं। जब मैंने फिल्म शुरू की थी उस वक्त हमने सोचा भी नहीं था कि एक दिन फिल्म रिलीज भी होगी, क्योंकि इतनी सारी मुश्किलें थी, इतने सारे प्रॉब्लम्स थे। अगर ये फिल्म कल को सफल रहेगी तो मैं ज़रूर आपसे वो बातें शेयर करना चाहूँगा। फिलहाल अभी इतना ही कहूँगा कि आप सब लोग, मीडिया बंधुओं से अनुरोध है कि फिल्म तो हमने बना दी है और फिल्म रिलीज होने के कगार पर आ गई है, 30 तारीख को रिलीज हो रही है फिल्म। अब ये फिल्म जनता जनार्दन तक कैसे पहुँचती है वो आपकी जिम्मेदारी है। मैंने अपना काम, हमारी टीम ने अपना काम बड़ी ईमानदारी और बड़ी बेबाकी से किया है। इसके अलावा मेरे पास और शब्द नहीं है, क्योंकि ये बहुत भावुक पल है। धन्यवाद भाई, सब कुछ बोला।